आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। ये वाइट ग्लोब एनजीओ कर रही है, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, शेख सबा। हमारे सपोर्टिंग पार्टनर्स इसमें इंडियन आर्मी है, KRSF है, NEG है, गाश प्रोडक्शंस है और बाकी हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो कश्मीर में हो रही है, ओवरऑल हमारी कंट्री में जो डेटा है वो 31% का डेटा है, लेकिन जो कश्मीर में डेटा है आज की डेट में 20% लोगों पे डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी दोबारा ना हो, हम लोगों में अवेयरनेस करना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ हमें अप्रोच करें, हम हेल्प करेंगे उनकी, ताकि उन पर जुल्म ना हो। जिस तरीके से भी हमसे मदद हो सकती है, हम अपने लोगों के लिए यहाँ पे हैं, उनके लिए किसी भी तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं हर वक्त। हर ये हमारे साथ सारे लोकल्स जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, शबीर साहब है, आप जानते हैं, बशीर साहब हैं, हिलाल साहब हैं, और हमारे अपने वॉलेंटियर्स अलग अलग लोग हैं जो इस नाटक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, उनको पता चले कि क्या होता है और इसको बंद करने की कितनी ज़रूरत है। बेस्ड है एक लड़की के लिए, मेरा नाम फरा है, तो ये बेस है एक लड़की के लिए, एक लड़की के साथ जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो बाहर हो रहा है या घर में हो रहा है या उसके ससुराल में हो रहा है। तो ये उस बेस पे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि जो भी है, जो भी जुल्म कर रहा है एक लड़की पे, चाहे वो उसके ससुराल में कर रहा है या उसके घर में कर रहा है या सड़क पर कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम आज यहाँ पे हैं, ताकि वो आगे चलकर बाकियों को भी समझा सके हम कि ऐसा नहीं करना है, एक लड़की पे जुल्म नहीं करना है, चाहे लड़की गलत है या सही है उसको समझाना है, लेकिन जुल्म नहीं करना है। जुल्म कहीं पे नहीं आया है, ना इस्लाम में आया है ना कहीं और पे आया है, जुल्म किसी भी चीज़ का हल नहीं है। मेरा ये है कि जो भी हो रहा है, आप लोग अगर एक आदमी अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है या उसको मार रहा है या उसको धमकी दे रहा है या कुछ भी, तो वो ना करे, क्योंकि अगर वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कर रहा है, कल को उसकी बहन के साथ भी होगा, उसकी भी बेटी होगी, उसके साथ भी होगा। चाहे अगर वो कर रहा है तो वो आगे जाकर एक चेन बन जाएगी, अगर एक आज रोकेगा कल दूसरा रोकेगा फिर तीसरा रोकेगा, अगर आज किसी ने नहीं रोका तो कल कोई नहीं रोकेगा।